नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। मैं हूं आपके साथ मंजू रुधियाल। बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। डीआईजी ने किया धनकुंड थाना का निरीक्षण, बनाया जाएगा आगंतुक कक्ष, महिलाओं के लिए बनेगा हेल्प डेस्क। धौरैया बांध का भागलपुर प्रक्षेत्र के डीआईजी सुजीत कुमार ने मंगलवार को धनकुंड थाना पहुंचकर थाना का निरीक्षण किया। थाना पहुंचने के उपरांत डीआईजी ने थाना परिसर में स्वच्छता की स्थिति का जायजा लिया। इसके उपरांत कांड के अनुसंधान की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के उपरांत डीआईजी ने पत्रकारों को बताया कि अभिलेख की अद्यतन स्थिति को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिए गए हैं। जहां भी अभिलेखों में त्रुटि पाई गई उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। बेहतर तरीके से थाना परिसर में आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने की बात डीआईजी ने कही। उन्होंने बताया कि धनकुंड अभी नए भवन में शिफ्ट हुआ है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। पुलिस लाइन में भी मौजूद पदाधिकारी को यहां सामान की आपूर्ति के निर्देश दिए। बताया गया कि टेबल कुर्सी आदि यहां देने की बात कही गई है। इसके अलावा डीआईजी ने बताया कि आगंतुक कक्ष का निर्माण कराया जाएगा ताकि थाना पहुंचे फरियादी कक्ष में आराम से बैठ सके। इसके अलावा महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने की बात कही। कहा कि महिला पुलिसकर्मी और पदाधिकारी की कमी को लेकर निर्देश दिया गया है कि थाने में महिला पुलिसकर्मियों का पदस्थापना किया जाए। इसके अलावा थाना परिसर में पौधरोपण भी किया जाएगा। मौके पर एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव, प्रशिक्षु डीएसपी अर्जुनल कुमार गुप्ता, रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, धौरैया थानाध्यक्ष महेश्वर राय, धनकुंड थानाध्यक्ष अभिनंदन कुमार सिंह सहित विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए भागलपुर मंडल प्रभारी चंद्रशेखर कुमार भगत की रिपोर्ट। दैनिक कार्य है, हालांकि पूरे परिसर में स्वच्छता की क्या स्थिति है, थाना में अभिलेखों का रख रखाव कैसा है, कांडों के अनुसंधान की प्रगति कितनी है, अभिलेखों की अद्यतन स्थिति के बारे में, इन्हीं सब विषयों पर निरीक्षण और कुछ चर्चा परिचर्चा भी हुई। उसी के कारण क्या पाए सर अभिलेखों में और इसको अद्यतन करने की आवश्यकता है, और जहाँ जहाँ पे कुछ त्रुटियाँ पाई है वहाँ उसको और बेहतर तरीके से इसमें और काम करने की जरूरत है। थाना परिसर क्योंकि एक नया भवन है जी, इसके रख रखाव को लेकर कुछ विशेष इंतजाम करने की आवश्यकता है। इस संबंध में यहाँ पर मेरे समक्ष पुलिस लाइन से भी पदाधिकारी थे, उनको भी कुछ हम लोगों ने कहा है कि यहाँ कुछ जो सामान उपलब्ध कराना है वो सब उपलब्ध कराया जाएगा। टेबल कुर्सी, ये बगल वाला कमरा जो है यहाँ पे आगंतुकों के आने के लिए मैंने कहा है कि कक्ष का निर्माण किया जाए। उधर कोई भी जो आते हैं थाना में शिकायत इत्यादि लेकर वो उनके बैठने की व्यवस्था हो, वहीं पर उनसे पदाधिकारी की समस्या के बारे में सुने और फिर उस पर आगे की कार्रवाई करें। महिलाओं के लिए एक महिला हेल्प डेस्क खोलने की बात कही है, जो कि थाना के थानाध्यक्ष के कमरे के बगल का कमरा होगा, जिसमें महिला हेल्प डेस्क, यहाँ पे एक भी महिला पदाधिकारी या महिला पुलिसकर्मी नहीं है। इस संबंध में मैंने कहा है कि पुलिस अधीक्षक के नाम महिला पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मियों की पदस्थापना करेंगे और महिला हेल्प डेस्क की शुरू करें। इसके अलावा जो स्वच्छता और नए परिसर में वृक्षारोपण इत्यादि को लेकर भी बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं और उसका अनुपालन करने को कहा गया है।